हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्जाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अपने डिफेंस अकाउंट कोड बुक स्टार्ट कर रखी है, तो इसके अंदर दोस्तों अपनों ने चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। आज अपने चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। लेकिन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 5 का आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि कल जो चीज़ें पढ़ी थी थोड़ी सी बिखरी हुई थी, तो उनको अपने एक पेज पे पूरी समरी बना के इनको पूरा देख सकें और थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी हमारे दिमाग के अंदर आ सके, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया हुआ, रिकवरी की परिभाषा दी गई है। तो क्या दिया हुआ इसमें, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया किस पे, अनदर डिपार्टमेंट पे, ठीक है। या तो वो उसी गवर्नमेंट का होगा या अदर गवर्नमेंट का, राइट। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो सकता है, या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया नॉन गवर्नमेंट पार्टी, कोई पीएसयू पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे, या कोई ऑटोनोमस बॉडी पे, बाद में इनसे रीपेमेंट करवा लिया तो रिकवरी हुआ, ठीक है। एक बार दोस्तों गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, बाद में इनसे पैसा ले लिया तो वो रिकवरी हुआ। दोस्तों रिकवरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वसूलना पैसा। आपने पैसे खर्चा कर दिया, बाद में आप वसूलोगे तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, रिकवरी बोल दूंगा, यस और नो। तो वही बात इसमें बोली गई है। तो देखिए, दो नंबर में क्या है, गवर्नमेंट जो है रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर करती है तो वो रिसिप्ट कहलाता है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या क्या कहलाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो रिकवरी करती है अपने एक्सपेंडिचर की, कहाँ पे खर्चा किया हो जब उसने, नॉन गवर्नमेंट पार्टी या अदर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया पे जब खर्चा किया हो, और उसका दोस्तों एक्सपेंडिचर का जब वो रिकवरी करती है तो उसको बोलता हूँ मैं रिसिप्ट, राइट, यस और नो। तो उसको बोलता हूँ मैं रिसिप्ट। तो दोस्तों एक तो हो गया ये रिसिप्ट का ये, ठीक है, मैंने इसको दे दिया ए नंबर दे दिया इसको, ठीक है। अब आगे चलिए दोस्तों, एक एक्सेप्शन है, मतलब ये रिसिप्ट कहलाएगा तो आगे वाले रिसिप्ट नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। तो क्या होगा, जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम करे तथा उस पूरी लागत उस निकाय से वसूल ले। तो इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि गवर्नमेंट कब प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम करती है, जब दोस्तों गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट फर्म को दे देती है, राइट। अब सड़क का एग्जांपल हो, राइट, सड़क बनानी है आपको और गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, और दोस्तों गवर्नमेंट जो है उसको बोल देती है कि आप सड़क बनाओ, बाद में जो रेवेन्यू जनरेट होगा इससे तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको वसूलते रहती है, राइट। तो उसकी जो पूरी लागत है जिस मद पे उसने खर्च किया है वो पूरा उससे वसूल लिया जाता है, तो गवर्नमेंट एक प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम कर रही है उसके इसमें, ठीक है, तो वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहलाएगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, दो नंबर पर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर कहलाएगा जब कोई प्रोजेक्ट कई सरकारें मिलकर चलाएं, मतलब 3 से 4 सरकारें मिलकर चला रही है, बाद में दोस्तों क्या करते हैं, पहली वाली गवर्नमेंट ने सारा खर्चा बियर कर लिया, ठीक है। दोस्तों खर्चा सबको बियर करना था, लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी उसने सारा खर्चा बियर कर लिया तथा बाद में जो दूसरी सरकारों से उसका शेयर ले लिया, जितना जितना उनका शेयर था। तो फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने खर्चा किया उसके लिए रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, राइट, यस और नो, समझ में आई बात। तो मतलब कई सरकारें जब मिलकर काम करेगी तो पहली सरकार खर्च करके बाद में उनसे वसूल लेगी तो उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है। जब गवर्नमेंट कोई प्राइवेट बॉडी के एजेंट के रूप में काम करेगी, दोस्तों सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हेन ए गवर्नमेंट एक्ट एज ए एजेंट ऑफ ए प्राइवेट बॉडी देन द एक्सपेंडिचर बियर बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज, ठीक है, वेदर इज रिसिप्ट, वेदर इज रेवेन्यू रिसिप्ट, वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट, वेदर इट इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, देन यू हैव टू आंसर द रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जो लाइन रेडीमेड दी गई है दोस्तों, एग्जामिनर अपने आप को सेफ रखता है अपने एग्जामिनेशन में, मैंने देखा है बहुत पिछले जो कई सालों के अपने पेपर भी सॉल्व करवाए आपको, तो एज इट इज लाइन दोस्तों वो दे रहा है, राइट। तो आगे चलिए, 3 नंबर पर क्या दिया गया है, दो प्रकार की दोस्तों प्राप्तियां हैं रिकवरी में। ये पहला तो है सेल प्रोसीड्स ऑफ मटेरियल प्लांट्स एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम ओल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने KGF का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे जो मिल्स लगी है, वहाँ पे जो माइंस हैं, वो सारा जो स्ट्रक्चर है, पुराना मशीनरी है, उनको बेच के जो खर्चा लोग उनको बेच के जो पैसा आएगा तो उसको क्या बोलता हूँ, उसको मैं प्राप्तियाँ बोल दूंगा, रिकवरी बोल दूंगा, राइट। रिसिप्ट अंडर स्टॉक एंड सस्पेंस, सस्पेंस और स्टॉक, स्टॉक मतलब कोई भंडार है दोस्तों, उसके अंदर कोई रिसिप्ट होती है हमारी, या कोई सस्पेंस अकाउंट का दोस्तों आता है पैसा हमारे ओरिजिनल हेड के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ग्रोस एक्सपेंडिचर, राइट, येस और नो। तो ये दो प्रकार की प्राप्तियाँ, हमें यहाँ पर इनको रिकवरी बोला है। और दोस्तों रिकवरी का जो शब्द है इस पूरे चैप्टर में, या तो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से समझूंगा या मैं उसको रिसिप्ट से समझूंगा, ठीक है। एक दोस्तों एक जगह इसमें रेवेन्यू की भी बात आएगी, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट की, वो भी बताऊंगा आगे आपको। सेम गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच रिकवरी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, सेम गवर्नमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है, राइट। पहले में दोस्तों अनदर डिपार्टमेंट सेम गवर्नमेंट के साथ उसको बोला था मैंने रिकवरी है, ठीक है, रिकवरी का कौन सा पार्ट है, वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर का पार्ट है, राइट। 6 नंबर में क्या बोला, तो ऐसी रिकवरी जो कमर्शियल डिपार्टमेंट कौन से, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल अंडरटेकिंग जैसे ऑल इंडिया रेडियो, तो इनको दोस्तों रिसिप्ट बोलते हैं, राइट, इनको क्या बोलूँगा मैं, रिसिप्ट बोलूँगा, इसको मैं रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा, राइट, अगर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट कुछ इनके पास कोई रिकवरी होती है। तो दोस्तों कल मैंने इनका पूरा बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया था कि रेलवे की रिसिप्ट क्यों बोलते हैं, पोस्टल की क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हो, क्योंकि रेलवे के अंदर दोस्तों एक बार मान लो खर्चा निकल गया मालगाड़ी का, रेलगाड़ी का, ठीक है, स्टेशन का, तो बाद में जो प्राप्तियाँ होगी दोस्तों वो फ्रेश प्राप्तियाँ होगी, ठीक है, तो उनको मैंने रिसिप्ट बोल दिया, ना कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हैज़ ऑलरेडी बीन रिकूप्ड बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उसने पहले ही उसको रिकूप कर लिया है, पहले ही जो खर्चा हुआ है उसको रिकूप करके बाद में जो फ्रेश प्राप्तियां होगी उसको मैं रिसिप्ट बोलता हूँ, राइट। 7 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, जिस ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ, राइट, उसके नेक्स्ट ईयर में रिकवरी हुई,
तो डिफेंस सर्विसेज के केस में रेवेन्यू बोला जाएगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7 नंबर, आपको दोस्तों पूरा चैप्टर याद रहे ना रहे इतनी ये लाइन जरूर याद कर लो आप, ठीक है। सवाल बनेगा तो या तो ये दो इनसे बनेगा एक्सेप्शन से, या फिर यहाँ से बनेगा, ठीक है। जिस ईयर में एक्सपेंडिचर हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर में रिकवरी हुई, तो डिफेंस सर्विसेज के केस में दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज नाम पहला नाम आया है पूरे चैप्टर में, तो डिफेंस सर्विसेज के केस में उसको रेवेन्यू बोला जाएगा, राइट। दोस्तों रिसिप्ट का रेवेन्यू पार्ट है ये, राइट। दोस्तों रिसिप्ट कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है, लेकिन रिसिप्ट का दोस्तों रेवेन्यू पार्ट मैंने इसको बोला है, राइट। रिसिप्ट या रिकवर कैपिटल अकाउंट के केस में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है। दोस्तों ये क्या होता है कि मान लो कैपिटल खर्चा कर दिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जिस मेजर हेड में खर्चा किया है उसके मान लो प्राप्तियाँ हुई, रिकवरी हुई, तो उस केस में दोस्तों उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। दोस्तों रिसिप्ट और रिकवरी यहाँ पे एक एज अ सिनोनिम इसको यूज़ किया है, राइट। 9 नंबर में क्या बोला गया है, सेटलमेंट ऑफ डाउट और डिस्प्यूट। कोई भी आपको दोस्तों डाउट आ जाए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो आपको सारा केस जो है CGDO को रेफ़र करना है, और CGDO बाद में दोस्तों वहाँ से डायरेक्शन देंगे कि क्या करना है आपको, कि मतलब देखना है कि वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर माना जाए या फिर उसको मैं रिसिप्ट में मानूँ, राइट। तो CGDO डिसाइड करेंगे, अगर CGDO को रेफरेंस लेना है तो वो CAG का रेफरेंस ले लेंगे, राइट। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा क्विक रिवीजन किया है उन्होंने, अब अपने चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में मेनली आपको डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कौन से रूल हैं, क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों अपने इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इंट्रोडक्टरी। तो दोस्तों 92 पे क्या दिया गया, द बैलेंसेज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज हैव बीन क्रिएटेड परफॉर्मा इन द बुक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। दोस्तों क्या बोल रहा है कि डिफेंस सर्विसेज ने क्रिएट किया है परफॉर्मा, ठीक है। इसको अकाउंट से समझिए कि अकाउंट क्रिएट किया है किसकी बुक्स में, दोस्तों RBI की बुक्स में, ठीक है। किसने डिफेंस सर्विसेज में, तारीख क्या है, 1 अप्रैल 1962, 1-4-1962। आप ऐसे याद रखो कि अप्रैल फुल बना दिया, ठीक है, 1962 के अंदर 1 अप्रैल को अप्रैल फुल बनाते हैं, तो मतलब 1 अप्रैल को 1962 को अप्रैल फुल बना दिया, ठीक है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या, दीज बैलेंसेज फॉर्म पार्ट ऑफ द बैलेंसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वेज एंड मीन्स अरेंजमेंट। मतलब क्या है, ये जो बैलेंस बनाए, ये जो अकाउंट ओपन किया, इसके अंदर जो पैसा आया, उसने क्या किया दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैलेंसेज का वो पार्ट बन गया, राइट। फॉर रेगुलेटिंग द वेज एंड मीन्स अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, वेज एंड मीन्स दोस्तों ये एक मैकेनिज्म है। RBI क्या करता है दोस्तों, स्टेट्स के अंदर अगर उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के अंदर मिसमैच हो जाए, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक टेम्परेरी बेसिस पे उनको एक प्रकार से लोन इशू करता है, एक एडवांस इशू करता है, ठीक है। तो उस एडवांस को दोस्तों 3 महीने के अंदर उनको जमा करवाना पड़ता है वापस RBI को, राइट। तो उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, मतलब ये जो पैसा आया वो उसके लिए, उस पर्पज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ वन सेंट्रल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द डिफेंस सर्विसेज एज अ होल। इसमें क्या बता रहा है कि वन सेंट्रल अकाउंट, एक सेंट्रल अकाउंट है किसके अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर, किसका, डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है, एज ए होल। बट इन द डिटेल्स वर्किंग, अब आपको डिटेल वर्किंग करनी है अप टू दिस सिंगल अकाउंट, मतलब इस सिंगल अकाउंट के अंदर द टोटल फिगर्स फॉर ईच BCDA CDA विल बी अवेलेबल सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ द RBI। मतलब एक तो बोल दिया कि एक सिंगल अकाउंट है ही पूरे RBI के अंदर, पूरे डिफेंस सर्विसेज का, और दोस्तों BCDA CDA के भी अलग अलग सारे फिगर्स हमें देखने हैं, तो वो भी हम इस डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के जरिए RBI के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, द ट्रांजेक्शन विद और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज अराइजिंग इन द अकाउंट्स ऑफ। दोस्तों ट्रांजेक्शन्स हैं किसके बिहाफ पे, डिफेंस सर्विसेज के, ठीक है, किनके अकाउंट में हो रही है, पोस्ट के अंदर, रेलवे के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंडन एंड एम्बेसी अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर वाशिंगटन का ले लिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पे अकाउंट्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के जरिए। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ी है ये सारी बातें, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन विद और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, अगर इनके अंदर पोस्ट, रेलवे, सप्लाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंडन एम्बेसी अकाउंट, इनके अगेंस्ट में दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो विल बी एडजस्टेड विद द RBI, रिजर्व बैंक, अगेंस्ट द बैलेंसेज ऑफ द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट, ठीक है। इनको एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व बैंक के अंदर, किसके बैलेंस के अगेंस्ट, डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न, राइट। दीज एडजस्टमेंट विल बी इफेक्टेड बाय द CAS RBI नागपुर। दोस्तों ये सारी एडजस्टमेंट जो है CAS RBI नागपुर करता है। CAS मतलब सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर का, राइट। दोस्तों ये थ्योरी पोर्शन है, एक दो पेज का थ्योरी पोर्शन चलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी जब मैं फोकल पॉइंट ब्रांच और वो सारी उन चीज़ों पे आएंगे जब अपने। आगे चलिए, नोट क्या दिया गया दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस बताया गया है। इसमें क्या है, एक मैकेनिज्म है, यूज़ करता है RBI इसके अंदर इट्स क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, ठीक है, विच प्रोवाइड्स टू बैंक्स इन स्टेट्स टू टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लो ऑफ देयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक क्रेडिट पॉलिसी है RBI की, एक एडवांस है, ठीक है, जैसे इसके नाम पे पता लगे एडवांस है, एडवांस मतलब एडवांस दे दिया, ठीक है। आप LTC जाते हो, आपको एक बार एडवांस दे दिया,
ठीक है। और बहुत सी चीज़ों के लिए मान लो आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आप ट्रांसफ़र ग्रांट जो मिलती है उसका मान लो एडवांस मिल गया आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों आरबीआई जो है स्टेट्स के अंदर उनको एक एडवांस प्रोवाइड करवाता है, राइट। इसके लिए उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडि पेमेंट के अंदर उनके मिसमैच हो गया, मान लो रिसिप्ट दोस्तों कम हो गई और ख़र्चा उनका बढ़ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? कई बार क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, हमारे नेशनलाइज बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, ठीक है। उनके पास जो पैसा आया उसका कुछ हिस्सा तो वो रखते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लोन के रूप में देते हैं, राइट, बड़ी बड़ी फर्म्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो और उनसे इंटरेस्ट के रूप में मान लो आपको 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनसे वो 8% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो बीच का जो 4% इंटरेस्ट है वो कमा लेंगे, राइट। तो इस ऐसे बैंक जो है कमाई करता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों बैंक जो है प्रॉफिट जनरेट करता है, राइट। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लो उनके पास रिसिप्ट कम हो रही है, ठीक है, और वो पेमेंट उन्होंने ज़्यादा कर दी, राइट, लोन ज़्यादा इशू कर दिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी किसानों को लोन दो, ठीक है। तो उस केस में जब ये कैश फ्लो मिसमैच हो जाता है तो दोस्तों आरबीआई क्या करता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जरिए उनको एक बार के लिए एडवांस दे देता है, ठीक है। और वो एडवांस दोस्तों इनको 3 महीने के अंदर वापस इनको रीपे करना पड़ता है, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए, क्या बोल रहे दोस्तों, ट्रांजेक्शन्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज टेकिंग प्लेस इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज टेकिंग प्लेस इन द ब्रांचेज ऑफ एंड ऑफिस ऑफ द आरबीआई एसबीआई विल बी टेकन डायरेक्टली अगेंस्ट द डिफेंस परफॉर्मर अकाउंट। जो भी डिफेंस की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, वो आरबीआई एसबीआई के ऑफिस में होगी तो वो डिफेंस परफॉर्मर अकाउंट जो है वो उनसे इफेक्ट होगा, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट में ली जाएगी, राइट। आगे देखिए दोस्तों क्या है, डिफेंस ट्रांजेक्शन एट बैंक ट्रेजरी। तो दोस्तों इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा फ्रेम थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा मेरे से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।